Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी ही होगी। उस फिल्म में बड़े टाइटैनिक जहाज को जैसे दिखाया गया था, असल में भी यह जहाज कुछ वैसा ही शानदार, बड़ा और बेहद खूबसूरत दिखता है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा जहाज था। इस जहाज के बारे में कहा जाता था कि यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन वह अटलांटिक सागर में डूब गया। 14-15 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक जहाज में बैठे लोगों की आखिरी रात बन गई, जब ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराकर उत्तरी अटलांटिक सागर में डूब गया। इसके मलबे को साल 1985 में ढूंढा गया था। अगर आप भी इस शानदार टाइटैनिक जहाज को देखना चाहते हैं तो, लेकिन इसके लिए आपको खर्च करने होंगे करीब 93 लाख रुपए। ये मलबा समुद्र की सतह से लगभग 12,000 फीट नीचे है, जिसे अब आप खुद देख सकते हैं। आपको बता दें कि पानी के नीचे की अलग दुनिया की खोज करने वाले इस कंपनी ने टाइटैनिक सर्वे एक्सपीडिशन 2021 प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इस दौरान लोगों को टाइटैनिक के मलबे की सैर कराई जाएगी। बता दें कि पहला शेड्यूल मई से जुलाई तक होगा, जिसके लिए 6 मिशन निर्धारित किए जाएंगे, जिसका प्रत्येक मिशन 10 दिनों तक चलेगा। इस मिशन में 5 पनडुब्बी गोताखोर शामिल होंगे, जो नागरिक, वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं को मलबे की साइट पर ले जाएंगे।